बिस्मिल्लाह रहमान रहीम साहब, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मंडी से सामान काफ़ी लेने जा रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम मंडी से लेके आए हैं और किस तरीके से चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो ये हम गाड़ी में बैठ गए हैं अभी, तो ये हमारी गाड़ी है और अभी हम मंडी की तरफ चल पड़े हैं। तो ये हम नहर के ऊपर जा रहे हैं, ये जो होटल को क्रॉस हमने कर लिया है, तो अभी हम आगे जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अज़हर अब्बास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आज बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा, बहुत ज़बरदस्त आपको खूबसूरत चीज़ें दिखाऊंगा, सब्जियां, फल और भी काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। ये हम ठोकर के पास पहुंच चुके हैं, तो ये ठोकर वाला पुल के पास आ गए, ये अभी पुल के ऊपर हम चढ़ने लगे हैं। तो बस अभी 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे मंडी में, तो आपको मंडी का सारा विजिट कराएंगे, किस तरीके के मंडी में सब्जियां होती हैं और फ्रेश सब्जियां अगर आपने लेनी हो तो आपने मंडी जाना है। और मंडी और आम बाज़ार का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है चीज़ों का। मसलन के बाज़ार में अगर 120 रुपये किलो चीज़ फरोख्त की जा रही है, टमाटर 120 रुपये किलो है, तो आपको मंडी में 50 रुपये किलो मिलेंगे। तो अभी अगर उधर 80 रुपये किलो है तो उधर आपको जो 40 रुपये किलो मिलेंगे। काफ़ी फ़र्क होता है मंडी में ना, तो मंडी में सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमने ठोकर वाला जो इंटरचेंज है, पुलिस का जो नाका लगा हुआ, वहाँ से हम यू टर्न ले के हम जाएँगे मुल्तान चुंगी वाली मंडी में, तो वहाँ आपको दिखाएँगे कि सब्ज़ियाँ किस तरीके फ्रेश लगी हुई हैं। तो लो जी, हम ये ठोकर पे पहुंच चुके हैं, तो ये अभी यू टर्न लेंगे यहाँ से और यहाँ से यू टर्न लेके वापस आएँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना उन्होंने खूबसूरत इंटरेस्ट बनाया हुआ है, ठोकर का जो इंटरेस्ट है ना बहुत खूबसूरत है। लो जी, हमने ये यू टर्न ले लिया है। इधर ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होती है, आपने ज़रा ध्यान से गाड़ी चलानी होती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत स्ट्रॉबेरी है, ये पाकिस्तान की स्ट्रॉबेरी। ये देखिए माशाल्लाह, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दुकानदार से भी मिलाऊंगा, उससे पूछेंगे कि किस तरह का इसका रेट है, कैसे उसने लगाई हुई है, किस तरह किलो दे रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत। अगर आपने स्ट्रॉबेरी लेनी हो तो आप इसमें मंडी में आ जाएँ। ये देखें माशाल्लाह, 400 लो जी, मैं आपको दुकानदार से भी मिलाता हूँ कि वो बताएंगे हमें कि क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सचो जी, ये की रेट लगाई है स्ट्रॉबेरी तुसी? स्ट्रॉबेरी जड़ी है वाली है कि ना 250 रुपये किलो जी वाली। ए जड़ी छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी हैगी ए 250 रुपये किलो हैगी है, और ए वड्डी उन्हें को पूछने वड्डी किस रेट देगी है? वड्डी 400 रुपये किलो। ए वड्डी जड़ी अच्छी है, अच्छे वाली हैगी है, देखो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल अच्छी अच्छी है, बिल्कुल बहुत वड्डे वड्डे पीस ने, देखो माशाल्लाह। ए दे रही सुबह सुबह के टाइम पर मंडी में आ जाने है और तुम्हें बिल्कुल फ्रैश स्ट्रॉबेरी मिलेगी। ये देखो जी माशाल्लाह कितनी प्यारी स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। ये सारी दुकानें लगाई हुई हैं जो ये बाहर मार्केट के होते हैं सब्ज़ मंडी में। ये देखे माशाल्लाह कितनी उन्होंने खूबसूरती के साथ सब्ज़ियाँ लगाई हैं सारी। और ये देखें माशाल्लाह, ये सब्ज़ मंडी के बाद जो दुकानें होती ना, ये वो वाली शॉप है। मैं आपको सब्ज़ मंडी का भी विज़िट करवाता हूँ। ये इन्होंने देखें आलू कितने खूबसूरती से लगाए हुए हैं और सारी सब्ज़ियाँ इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लगाई हैं। लो जी, ए मंडी का इंटरेस्ट है जी, तो मंडी के अंदर जाके विजिट करावे कि मंडी के हिसाब किताब चल रहा है, किस तरह रेट चल रहे हैं और किस तरीके चीज़ें बेच रहे हैं लोग। देखो मेथी कितनी खूबसूरत माशाल्लाह। देखो दुकानदार बेचारे आप लेने, शलजम देना साफ कर रहे हैं, ऊपर से उन्हें छिलके उतार के इन्हों अच्छे तरीके धो के लगा दे। देखो छोली है, कुछ अनार है, देखो सारिया सब्जियां कितनी खूबसूरती लगाइया उन्होंने। तुम जो भी मंडी जाओ देखे तो फ्रेश सब्जियां मिलन दियाँ।
भाईजान टमाटर किस तरह लाए ने किलो? 60 रुपए। भाईजान प्याज का की रेट है? इस प्याज का की रेट है? और इस का 700 की तड़ी है। ते आलू किस तड़ी है भाईजान? की यह किस तरह लगाया? 2000 रुपये तड़ी है। ते भिंडी किस तरह लगाई? 200 रुपये किलो भिंडी है। करेले किस तरह लगाए ने? 1000 रुपये तड़ी, 200 रुपये किलो करेले फरोख किए जा रहे हैं। देखो जी माशाल्लाह फ्रेश सब्जी है। अदरक लहसुन वाले तो कोल चलने हैं भाई जान। असर अदरक किस तरह लगाई किलो? अदरक किस तरह लगाई किलो? 600 रुपये। तो लहसुन 250 रुपये किलो। तो यह वाला चैना वाला? तो छोलिया किस तरह लगाया किलो? तो यह जरा लहसुन छिलिया होगा 350। किस तरह लगाया सलाद मूली? 80 रुपए की, 5 ने 40 रुपए दी, 5 सलाद। किस तरह लगाया सलाद पत्ता? 40 रुपए दी, 5। पुदीने की गड्डी किस तरह लगाई? पुदीना 20 दी, 5 ने 20 रुपए दी, 5 ने। हाँ जी, देखो जी माशाल्लाह कितना फ्रैश पुदीना और 20 रुपए दी 5। जिस टाइम तुम जाते हो ना बाजारों लैन वास्ते तो 20 रुपए की एक गट्टी दे रहे होंगे ने। तो मंडी चुं तुसी आओ एगो देखो कितना फ्रैश पुदीना है 20 रुपए दी 5 गट्टियां। यह देखो माशाल्लाह कितनिया सस्तियां चीज़ा ने। भाईजान किस तरह तड़ी लाई प्याज? हाँ जी, ते आलू ते ओ जिहड़े पिछे प्याज तुहाडे लगे गए ने आ वाले? हरा प्याज है देखो माशाल्लाह कितना। बुजुर्गो किस तरह लगाया हरा प्याज? 100 रुपए की गट्टी है देखो। और यह गाजर सलाद वाली गाजर जी 60 रुपए किलो ने गाजर। तो यह जी सलाद वास्ते बंद गोभी बिल्कुल सस्ता समान दे रहे ने। गोभी 40 रुपए किलो है। यह एड्डी वड्डी गट्टी है देखो 100 रुपए की है। और यह पुदीना किस तरह लगाया तुसी? 20 रुपए। तो सलाद पत्ता देखो जी ग्रीन गोभी देखो माशाल्लाह सलाद का जिन्ना भी समान इन्होंने को मौजूद है। भाईजान टमाटर किस तरह लगाए ने तुसी? टमाटर किस तरह लगाए ने? ट्रिपल ला देंगे तेरा। ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਕਰਗੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੰਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ? 800 ਰੁਪਏ ਤੜੀ। ਰੈਡ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਲਾਦ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ? ਸਲਾਦ ਪਤਾ 50 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਲਾਲ ਮੂਲੀ? ਲਾਲ ਮੂਲੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਖੀਰੇ? ਖੀਰੇ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿਲੋ? ਮੂਲੀਆਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਗੋਭੀ? ਗੋਭੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਕਿਲੋ? ਜੀ 20 ਰੁਪਈਏ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਹੈ। ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Thank you.
ਜੀ ਕਚਨਾਲ ਆ ਜੀ ਕਚਨਾਲ ਕਚਨਾਲ ਕਿਸ ਰਾ ਹੈ ਭਜਨ ਟਮਾਟਰ ਕਿਸ ਰਾ ਕਿਲੋ ਨੇ ਭਜਨ ਮੇਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਧੜੀ ਕਰ ਦੋ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਇਆ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਦੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਔਰ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਦੇਸੀ ਪਿਆਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟ ਪਿਆਜ਼ ਬਸ ਇੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਔਰ 200 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਇਹ ਛੰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਖਰੂਬ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨਰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਅਸੀਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤ ਦੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲਵੋ ਦੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਏਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੰਬੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਨੇ ਭਾਜਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜੀ ਸਾਢੇ 700 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਣ Watching this complete my videos
लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मुकम्मल प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर किस्म की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक